मधुबनी जिले के हरलाखी विधानसभा व प्रखंड क्षेत्र के नंदलाल महावीर प्लस टू उच्च विद्यालय गंगोर के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भीड़ में से किसी युवक ने आलू और प्याज फेंक दिए, जिससे मुख्यमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों से संबोधन बॉक्स के आगे से उन्हें घेर कर बचाव किया। भीड़ में से कुछ लोग रोजगार दो के नारे भी लगाते रहे। हालांकि भीड़ में खड़े आरोपी युवक भी पहचान नहीं हो सकी। बहरहाल मुख्यमंत्री ने संबोधन को जोर रखते हुए कहा कि छोड़ दीजिए एनडीए समर्थन जदयू के प्रत्याशी सह निवर्तमान विधायक सुधांशु शेखर के पक्ष में सीएम चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2005 से पहले राज्य में हर तरफ अपराध, हत्या, लूट, अपहरण व अराजकता का माहौल था। आज राज्य में सुशांत का राज्य है। हमने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। मिथिला से हमारा गहरा लगाव है। उन्होंने कहा कि सुशांत का ही परिणाम है कि आज बिहार अपराध के मामलों में देश में 23वें पायदान पर है। ये भी आगे बढ़ेंगे, आपको भी आगे बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे और बिहार के विकास में भी अपना योगदान देंगे। इसलिए हम आप सब लोगों से ये अपील करने आए हैं। आज तो अभी हमको कई जगह पहुंचना है, हम यही कह करके। और अगर कोई समस्या बची रहेगी, आप ध्यान दीजिए, हम हर बार एक एक जगह घूमते हैं। अगर कोई समस्या रहेगी, चुनाव के बाद फिर मौका मिलेगा, फिर आकर के हम देखेंगे कहीं कोई और समस्या है, उसका समाधान करवाएंगे। और आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि आप सब एकजुट रहिए। कुछ लोग समाज को बांटना चाहता है, झंझट पैदा करना चाहता है। और समझ लीजिए, अगर लोगों के चक्कर में आपस में विवाद पैदा करिएगा तो फिर 2005 के पहले का बिहार बन जाएगा। शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकिएगा। और कितनी बड़ी संख्या में व्यापारियों को भागना पड़ा, कितनी बड़ी संख्या में डॉक्टर भागे। और जब हम लोगों की सरकार बनी, जो लोग यहाँ रहा था। समझ अपनी भाषा में ही आता है, कंटेंट आपकी भाषा में, ओनली ऑन डेली हंट।